अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। देखते रहिए माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने टोली चौकी गुलशन कॉलोनी में एक मकान में रेड मारी, जहां पर से जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाले 5 लड़कियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से सेलफोन और कई चीजें बरामद की। लेकिन ये सारे ऑपरेशन में कई सवाल उठते हैं कि टास्क फोर्स पुलिस एक मकान में जब दावा करती है तो लेडीज पुलिस क्यों नहीं थी, जब 5 लड़कियों को टास्क फोर्स पुलिस ने लोकल पुलिस यानी गोलकुंडा पुलिस की मदद से जब उनके मकान में दाखिल हुई तो फिर लेडीज पुलिस क्यों नहीं थी, क्यों खुलेआम कानून के धज्जियां उड़ाते हुए टास्क फोर्स वेस्ट जोन और गोलकुंडा पुलिस इस काम को अंजाम दिया, इसका सवाल और इस सवालों के जवाब देना होगा और आला अधिकार को चाहिए कि इस पे कार्रवाई करें, क्योंकि टास्क फोर्स पुलिस अमूमन मनमानी करती है और कुछ मुकामी रिपोर्टरों की शक्ल में मुखबिर की मदद से इस मकान में घुसते हैं और फौरन वीडियोग्राफी चालू होती है, जबकि टास्क फोर्स पुलिस को चाहिए था कि लेडीज पुलिस के साथ उनको हिरासत में लेकर गोलकुंडा पुलिस में हैंडओवर करे और बाद अज़ां मीडिया को इत्तला दे। लेकिन कुछ मुखबिर रिपोर्टरों को लेकर वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने इस मकान में दाखिल होते हैं और सारी वीडियोग्राफी करते हैं, लेकिन वो वीडियोग्राफी की कैसेट कहीं गुम हो जाती है। बाद अज़ां गोलकुंडा पुलिस स्टेशन जब लाते हैं तब जेन्युइन मीडिया को इत्तला देते हैं और वहां पर आकर कवरेज करते हैं। ये सारे ऑपरेशन में ये 5 लड़कियां मुसलसिल पुलिस पर और उस वक्त जो वीडियोग्राफी कर रहे थे उन पर इल्जाम लगाते हुए ये कह रहे थे कि हमारे साथ बदसलूकी हुई और हमको बार बार जलील किया जा रहा था, क्या हमारा किरदार ये है। बहरहाल पुलिस को चाहिए कि अपनी इमेज सही करे और कई केसेस है उनको पकड़े, कई चैन स्नैचिंग हो रहे हैं, कई खतले हो रहे हैं, कई लोगों को धमकियां मिल रहे हैं, पुलिस उसमें तो कामयाब नहीं होती, लेकिन ऐसे चीजों में और ऐसे कुछ औरतों को पकड़कर पुलिस अपना काम को अंजाम देती है और अपने आप को बहादुर समझती है। बहरहाल ये सारे मामले में अलादेदारों को सोचना चाहिए कि किसी भी मकान में धावा करते हैं या रेड मारते हैं तो लेडीज पुलिस का होना बहुत जरूरी होता है। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हमारे साथ में तो हम बोलेंगे क्या है यहाँ पे हैदराबाद का हक की। ठीक है ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, जूम करिए। आप सुन सर हो कभी आए ले सुन हम बे का सुन सर मरी क्या सुन मैं काम करेंगे। आप मीडिया में देंगे 2 पैसा मिलेगा, 2 रुपया बस, जहाँ देना देना दो, कोई फर्क नहीं, पैसा नहीं पकड़े गए, खुला बोल रहे। रिया पोपो करवाते हैं, चुपचाप बात कर सकते हैं हम लोग मुंबई के। कोई हाल तो गलत हुआ, आपके गांव में तो कोई मर नहीं था, आप मर गए तो मर के हम लोग को शो कर रहे हैं। हम लोग किसी की लड़की किसी का औलाद, हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। हमारी उम्र देखो, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग गलत काम करेंगे क्या? के जो उसका नाम हम लोग को नहीं मालूम है, वो यहाँ पे साथ में था, घर में भी वही आया उसको लेके, पुलिस वालों को और मीडिया वालों को भी वही लेके आया और अभी भी खड़े होकर पानी का कर हमारा तमाशा वही कर रहा है। लंबा जैसा हाइटेड है, गोरा जैसा, उसका नाम हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो यहाँ का एरिया भी नहीं जानते कि हम लोग बाहर निकले तो हम लोग हमारे घर पहुँचेंगे करके। जो भी हो रिया करिए ना, ठीक है, रिया को भी हम लोग देखेंगे। बंदा पे खड़ा तो सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेख।